तिहत्तरवें संविधान संशोधन, तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के बाद संविधान में तीसरी सरकार का प्रावधान, उसके भाग नौ में उसको कहा गया सेल्फ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेल्फ। ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है इसके दो पार्ट हैं, नाइन में नाइन एंड नाइन ए भाग, नौ में पंचायत और नौ का में या नौ ए नाइन ए में नगर पालिका है। तो ये एक तरह से थर्ड गवर्नमेंट के रूप में इसको संविधान में स्थापित किया है और वो सारे प्रावधान किए हैं सरकार ने, संविधान में वो सारे प्रावधान किए जो किसी सरकार के होना चाहिए। जैसे उसका विषय तय कर दिया गया, सब्जेक्ट तय होते हैं गवर्नमेंट्स के, किस सब्जेक्ट पे सरकारें काम करेंगी। दूसरा, अलग से इसका चुनाव आयोग बन गया, राज्य निर्वाचन आयोग, अलग से राज्य वित्त आयोग बना जो सिर्फ पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में, और राज्य जैसे भारत का वित्त आयोग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व का बंटवारा करता है, उसको तय करता है। ठीक उसी तरह राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य सरकार और पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच तय करेगा। और अब तक उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की तीन रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, अभी बाद में होगा। दूसरा ये कि अलग से जैसे प्लानिंग कमीशन वहां था पहले, वैसे 74वें संविधान संशोधन में जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया, जिसमें यह था कि गांव के लेवल से प्लान बनेगा, गांव के लेवल पर प्लान बनेगा, वार्डों में प्लान बनेगा शहरी क्षेत्रों में, और जिला और शहर दोनों को मिला करके जिला योजना समिति एक प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट का बनाएगी और वो राज्यपाल को भेजा जाएगा, उसके आधार पर उस जिले में सारी कार्रवाइयां चलेंगी। तो ये सारे प्रावधान किए गए जो एक गवर्नमेंट होने के लिए न्यूनतम शर्तें होती हैं, वो लगभग संविधान में पूरी। उसके बाद अंतर इतना आया कि बाकी जो दो सरकारें थी उनके लिए तो तय था कि राष्ट्रपति में सारे अधिकार जो हैं वो सम्मिलित होंगे और फिर राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रिमंडल उसको करेगा, यहाँ राज्यपाल में होंगे। और तीसरी सरकार के लिए ये कहा गया कि राज्य के विधानमंडल ये उनको इस तरह का अधिकार देंगे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, अपनी सरकार के रूप में वो काम कर सके, वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगी राज्य सरकार। तो उसका ये हुआ कि हर राज्य की राज्य विधानमंडलों ने अपने अपने तरीके से अधिकार देने शुरू किया। कहीं बहुत ज्यादा अधिकार मिला है, बहुत ज्यादा मीन्स जितना मिलना चाहिए उसका 60% 70% मिला है, और कहीं पर अभी 10 और 15% ही मिला है। इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे कम अधिकार प्राप्त, सबसे न्यूनतम अधिकार अगर पूरे देश में अभी तक मिला है। 99 में पहली बार पंचायतों को 11 विभागों के आधे अधूरे काम सौंपे गए। उस दिन से आज तक कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ, कोई इस तरह का नहीं बना 99 के बाद, बल्कि वो भी जो 11 थे जितना उस समय दिया गया था उसमें भी बाद में कटौती हुई, उसमें भी बहुत सारे अधिकार कम किए गए हैं, अधिकार न्यूनतम। तो आगे बढ़े और राज्य वित्त आयोग ने अपनी पहली संस्तुति जो उसकी 2002 में आई थी, 2002 की पहली संस्तुति में राज्य वित्त आयोग ने बहुत स्पष्टता इस चीज को कहा था जो मैं कह रहा हूँ, साफ साफ लिखा है वित्त आयोग ने। आप इस किताब में देखेंगे जब उत्तर प्रदेश की पंचायती राज की स्थिति की हम विवरण व्याख्या कर रहे हैं तब मैंने दिखाया वो राज्य वित्त आयोग के वो जो संस्तुतियां हैं उनका पूरा नंबर तक दिया है। इस संस्तुति में राज्य वित्त आयोग ने ये कहा है कि ये जो आपने आधे अधूरे काम किए हैं, उन्होंने कहा पूरे मन के साथ और संपूर्ण कार्य, कर्मचारी और वित्त तीनों चीजों की बात की, कार्य कर्मचारी और वित्त ये तीनों पंचायतों को सौंपे जाते। इवन यहाँ तक उसने कहा कि पंचायतों को राज्य वित्त आयोग ने कहा कि 3% फंड जो है, राजस्व जो है राज्य सरकार का, वो पंचायतों को दिया जाना चाहिए। उस पर मंत्रिमंडल के पास जब वो गया तो मंत्रिमंडल ने लिखा कि 3 नहीं, हम 4% देने को तैयार है, और ये क्या होगा इसके लिए हम मंत्रिमंडलीय समिति बना देंगे। आज तक वो समिति बनी, आज तक